कार्यक्रम की शुरुआत आज हम पुंछ से कर रहे हैं। पुंछ के बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, नन्हे नन्हे बच्चे। पहले इन बच्चों को पहले हमारी तरफ से पूरी गुलिस्तान की टीम की तरफ से बच्चों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन बच्चों से शुरुआत करेंगे, पहले मैं इन बच्चों के पास चलता। बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? मशुक अहमद। मशुक कहाँ रहते हैं? लॉरेन। इस पर घर क्यों नहीं गए? यहीं पे ईद करेंगे बच्चे इस बार, क्योंकि बच्चों ने एक दूसरे के साथ ही ईद मनाने का फैसला किया हुआ। कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे। कौन से बच्चे मेरे साथ बात करेंगे? पहले हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ मैं नन्हे बच्चे, इनसे मैं जान बात करूंगा। बच्चे एक बात पूछता हूँ मैं, ईद का दिन है, खुशियाँ लोग मनाते हैं ईद पे, आप लोग घर क्यों नहीं गए? हम इसलिए घर नहीं गए, घर से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, हाजी साहब हमारी देखभाल करते हैं, हमारा यही माँ बाप है और हम यहीं पे खुशी खुशी ईद मनाएंगे। घर में कौन कौन है बच्चे? घर में माँ बाप। घर में माँ बाप है, बिल्कुल माँ बाप का रोल अदा कर रहे हैं यहाँ के उस्तादा। और ये बच्चे भी, क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम आसिफ यासीन। आसिफ इस बार ईद पर घर क्यों नहीं गया? हमारा घर यही है, हम घर नहीं देते, हमारा हम यही ईद मनाएंगे और हाजी साहब हमें सब कुछ इधर ही देते हैं। मुझे इस ट्रस्ट की जहाँ तक बात करें, हर फैसिलिटी जिस तरह आप कहते हो यहाँ मिलती है आपको, किस किस तरह की पढ़ाई आप लोगों को? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे की मिलती है, हमें स्कूल की पढ़ाई भी मिलती है, मदरसे की तालीम भी मिलती है और हमें खेलने के लिए भी सब कुछ मिलते हैं। हर फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है? जी हर फैसिलिटी। इसलिए ईद इस बार इन बच्चों के साथ एक सभी इस बार मना? जी बिल्कुल। आप देख सकते होंगे कि घर जैसा माहौल और बिल्कुल घर जैसे उस्ताद, वालदेन का रोल वो उस्ताद निभा रहे हैं और जिसके चलते ये बच्चे इस बार घर ईद पर नहीं जा रहे हैं। बच्चे क्या नाम है? मेरा नाम आलियान शबीर। आलियान शबीर साहब कहाँ से हैं आप? मैं बाइला मंडी से। मंडी से हैं आप। इस बार ईद पर घर क्यों नहीं गए? मैं ईद पर इसलिए घर नहीं गया क्योंकि मेरे वालदेन इधर हैं और ये हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं और अच्छा हमें पढ़ाते हैं, हम इसलिए घर नहीं गए क्योंकि हमारे वालदेन इधर हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन बच्चों की जुबानी भी आपने सुनोगा, क्योंकि उस्ताद वालिद की जगह होता है मगर ये उस्ताद वो रोल अदा कर रहे हैं जो वालदैन का रोल है। क्योंकि ये बच्चे इस बार ईद पर घर नहीं जा रहे, सभी बच्चे इस मदरसा के अंदर ही इस बार ईद मना रहे हैं। उसकी बड़ी वजहें बहुत सारी इस मदरसा के अंदर से सामने आई। कुछ बच्चे यतीम बच्चे भी हैं इनके अंदर जो इस बार घर नहीं जा सकते, कुछ मुश्किलें भी हो सकती हैं घरों के अंदर, इसलिए सभी बच्चों ने इस बार ये अहद किया कि वो इस बार ईद इन सभी बच्चे एक साथ मनाएंगे। मगर मैं पहले ये वाला आपको दिखाता हूँ, ये वो लोग हैं जो खिदमत खलक कर रहे हैं, ये वो खिदमत खलक है जो इन यतीम गरीब बच्चों के तालीम के साथ इनके रहने पीने खाने का तमाम इंतज़ाम कर रहे हैं। और इस इंतज़ाम के बीच आज ये बच्चे ईद इस बार इसी हॉस्टल के अंदर मना रहे हैं। आप इन बच्चों को देख सकते होंगे कि ये बच्चे, कई बच्चे इनमें ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं, यतीम गरीब बच्चे हैं जिनके घरों में कई मुश्किलें हैं। अब उस्ताद की तरफ दोबारा पहले लौटते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। आपके पास मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं हाफिज़ साहब के पास जाऊँगा। हाफिज़ साहब पहले माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम है हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी। मदनी साहब इस बार देख रहे हैं कि बच्चे ईद पर घर नहीं जा रहे हैं, इसी हॉस्टल के अंदर बच्चे ईद मना रहे हैं, क्या कारण कि इस बार बच्चों ने, क्या आपने बच्चों को कहा था वो घर जाएँ या बच्चों ने खुद कहा कि ईद यहीं मना? असल में 2014 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर सैलाब आया, हालात बड़े अबतर हुए, उसमें हमारे पुंछ से खासकर हमारे अलहाज वीर साहब हैं, इन्होंने जो एक स्टेप उठाया कि हम कम से कम वैली में जाकर के देखें हालात कैसे हैं, हम क्या खिदमत कर सकते हैं। इनके साथ में यहाँ दीगर कम से कम 10-15 आदमी और तैयार हुए तो उसमें हम भी शामिल थे, तो इन लोगों ने जो है अपना माली ज़ाती ताउन जो है यहाँ पर इकट्ठा करके गाड़ी करके यहाँ से जो भी हो पाया तो वैली में पहुँचे। उसके बाद मैंने कहा कि हम कोई काम जो कौम के लिए मिलत के लिए करना चाहेंगे जहाँ डिज़र्विंग लोग हों, तो फिर ये मशवरा हुआ कि जो बच्चे हमारे समाज के अंदर ऐसे कुंबे हैं, ख़ानदान हैं कि जिनकी कफालत बच्चों के लिए या तालीम के या रिहाइश के जो इंतजाम नहीं हैं, जो मफलूकुल हाल बच्चे हैं या यतीम हैं जिसके बाप या माँ नहीं हैं, या अगर हैं भी तो वो इस पोजिशन में नहीं है कुछ कर सकें, तो फिर सबका इतफाक़ हुआ हाजी साहब की निगरानी के अंदर ये जो है अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट कायम हुआ 2014 के बाद। उसके बाद में जो है एक जो मज़बूत काम है वो ये आप बिल्डिंग दे रहे हैं देख रहे हैं जिसका नाम गरीब नवाज हॉस्टल है जामिया मोइनिया रज़विया के नाम से। अल्लाह का शुक्र है कि हाजी साहब की ज़ाती दिलचस्पी और फिर इनके साथ जो अफराद थे उन लोगों ने ज़ाती माली जो है
अच्छा खासा यहाँ पर जो हिस्सा पेश किया। 2 साल की कम मुद्दत के अंदर ये 4 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, जिसकी मजबूती, सफाई और खूबसूरती आपके सामने है। तो उसके बाद में बच्चों को लाया गया अलहमद ला, बाबा तहकीक़ात के बाद में ट्रस्ट के अरकान हाजी साहब खुद गांव देहात में जाकर के पूरी तहकीकात की, कोई जो है गैर मुस्तक बच्चा यहाँ ना आए। उन तो बच्चों को यहाँ पर लाया गया, तो बच्चों ने जब ये माहौल देखा, अब तो बच्चे बाप और माँ और घर और इलाके को भूल गए हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि बच्चों ने खुद आपके सामने बात की कि हम ईद करेंगे तो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बच्चों को अब ये पता चल रहा है कि जो सहूलियात हमें घर पर नहीं थी उनको यहाँ मिल रही हैं। रिहाइश तो खाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी संवारने वाली चीज़ें हैं, तालीम, क्योंकि कौम को मिटाना है तो उसको अनजान कर दो, तालीम से दूर कर दो। अगर कौम को ज़िंदा रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको तालीम दी जाए। तो इन बच्चों को जो हेल्पलेस बच्चे हैं, उनको दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, जो स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, 12th तक बच्चे पहुँचे हैं इस इदारे के पढ़ने वाले बच्चे, जिनको एक साथ जो है, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब का एक कौल है और एक ऐलान है कि हम चाहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तो वह कि उस की जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर ये चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, 2014 के सैलाब ने जम्मू कश्मीर में बहुत तबाही मचाई, उस वक्त ये ख्याल आपके अंदर आया। जिस तरह दीनी तालीम या बुनियादी तालीम की बात करें, हर तरह की तालीम यहाँ बच्चों को दी जाती है। क्या कोई बच्चों जो ये बच्चे आप यहाँ ला रहे हैं, जिस तरह इनकी निशानदेही की जाती है, ज़रूरतमंद लोग हैं, इन बच्चों के रहने खाने पीने का क्या क्या इंतज़ाम रहते हैं और कब तक आप इन बच्चों को यहाँ रखते हैं? यही तो एक प्लस पॉइंट है जो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो मिल्लत मजहब कौम के नाम पर इदारे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम उनको जो है बाबा उनकी खिदमत का हम सराहना करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक कमेटी है जो हाजी साहब की निगरानी के अंदर काम कर रही है, जो वर्कर हैं, ये वो लोग हैं कि जो अपने ज़ाती जेब से सबसे पहले पैसा निकालते हैं। और इनका ये एक दावा भी है और उस पर अमल भी है कि बच्चा यहाँ पर आता है, उसके पास सिर्फ जो तन के कपड़े होते हैं वो लेकर के, इसके अलावा जो यहाँ पर ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए, किताब है, पेंसिल है, खाना है, वर्दी है, टोपी है, या जो कुछ भी इनको चाहिए, ये तमाम का तमाम इवन देन के जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी जो एडमिशन फ़ी है, वो भी ये ट्रस्ट के लोग ही हाजी साहब की निगरानी के अंदर जो है पूरा कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैटर है जिसका आमद खर्च का, हाँ, इनके साथ कुछ मेम्बरान हैं जो माहाना, मंथली या ईयरली इसमें ताउन करते हैं, फिर ज़कात सदकात के लिए भी लोग जो है अपना ताउन यहाँ पर, जब देखा कि इतने बच्चे जो है हमारे सामने घर के सामने आ रहे हैं, ये फूल जैसे चमन से जो सामने आ रही खुशबुएं आ रही हैं, तो बच्चों को जब देखा, काम को देखा, बिल्डिंग को देखा, बड़ी तफसील है, अब आपके पास टाइम कितना है तब मैं बात कर पाऊँगा आगे, इतनी बात है कि जब ये देखा काम हो रहा है तो इसमें ताउन करने वालों का जो है एक काफिला जो है इसमें इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, दूर तक लोग इसमें ताउन कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं इस वक्त आपके पास? इस वक्त जो है हमारे पास 100 के आसपास बच्चे हैं, जिनके स्कूल की तालीम के लिए भी वो बच्चे अलग हैं, जिनको बुनियादी तौर पर दीनी तालीम दी जाती है, और जो हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनना चाहते हैं, कारी बनना चाहते हैं, उनको जो है इंग्लिश टीचर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनको दीन के साथ में ये मैथ, साइंस या इंग्लिश की तालीम भी दी जाती है। माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उसमें जो हमारी पुरानी पुंछ एक बहुत बड़ी खानका है, हज़रत अली करम अल्लाह ताला वज्हुल करीम की 21वीं पुश्त से हैं वो, ग़ालिब 28वीं पुश्त से हैं वो, तो वो अरसा दराज से उनका वो बिल्कुल कब्रिस्तान की भी हिफाजत नहीं हो पा रही थी, मस्जिद भी बसीदा हो गई थी और ज्यारत भी नहीं बन पाई थी। अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से उस ज्यारत की जो है तामीर की गई, आलिशान मस्जिद तामीर हुई आसरी नव, और कब्रिस्तान की चार दीवारी हुई, और अल्लाह का शुक्र है कि इसी इदारे के तहत वहाँ पर भी एक इस मदरसे की ब्रांच खोली गई, जहाँ पर हिफ्स के बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ में उनका ये तालीमी सिलसिला चल रहा है। चूँकि इस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्कूल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और दीनी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी तालीम के साथ रिहाइश का निज़ाम, तो फिर ज़रूरत पड़ी कि इसमें मज़ीद जो है कम कम हॉस्टल अलग हो, क्लास अलग हो, इसलिए ज़मीन यहाँ पर रिसेंटली ख़रीदी गई है साथ ही में इस हॉस्टल के, जो तकरीबन 80 लाख के आसपास उसकी कीमत हुई है। उसमें अब ये कर्ज़ा भी अदा करना है, यानी कि मनसूबा जो है हाजी साहब की जानिब से ट्रस्ट का कि बच्चों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम अलग हो और क्लास रूम अलग बनाए जाएँ, स्कूल की बच्चों की तालीम और रहन सहन का सिलसिला अलग हो, और जो दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनकी तालीम का सिलसिला रिहाइश का अलग हो।
इसके लिए जो है खतीर रकम की ज़रूरत पड़ती है। हम तो आपके इस चैनल से और आपकी स्टेज से जो है एक पैगाम भी देना चाहेंगे कि बहुत से लोगों ने इसका ताउन किया है, कर रहे हैं। मज़ीद हमारी गुजारिश है कि इस कारवान को बढ़ाने के लिए और ट्रस्ट की मजबूती के लिए मिल्लत और कौम के इन नौनिहालों को दीनी और दुनियावी तालीम पूरी करने के लिए सहूलियात देने के लिए आप ज़कात, सदक़ात, अतियात, खैरात से रोज़ाना, माहाना या सालाना जो भी मुमकिन हो आप ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों से रब्ता करके अकाउंट नंबर के साथ में अपनी रकम भी तावन पेश कर सकते हैं। हम उम्मीद हैं, करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो ये गुलिस्तान न्यूज़ है गालिबन आपकी इस आपके चैनल के ज़रिए से जो है इस ट्रस्ट के काम में और मजबूती भी आएगी। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि इल्म की तालीम तमाम अंधेरों को दूर कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही हालात यहाँ भी आपको नजर आएंगे। इस बार की ईद इन बच्चों के साथ, बच्चों अलग मोड में आते हैं हम सब। सबसे पहले बताओ हमसे, मैं नाच सुनाएगा कोई गाना सुनाएगा, बोलो कौन है वो? जी हजरत, क्या सुना रहे हैं आप? नाच सुना सुन। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा, जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। इंशाल्लाह बहुत खूब। बच्चों आप साथ दो इसका, और कौन बच्चे? क्या नात आप ही सुनाएंगे? सुनो। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हजरत, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हजरत, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं,
कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। माशाल्लाह, देख सकते होंगे इन बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ, आज इन बच्चों के साथ, बच्चों फ्री बिल्कुल, घर की तरह माहौल आज ईद पे एकदम मस्त। खाने में क्या पसंद है? राजमा चावल। राजमा चावल ईद पे क्या खा रहे हो? राजमा चावल। आज भी राजमा चावल जी। अच्छा, क्या सुनाओगे कुछ हमें? क्या सुनाओगे? गोजरी बैल। अलिफ अलागो वास तो औजार कासद मेरा यार ना मेरो पैगाम दे आ, अलिफ लागो वास तो औजार कासद मेरा यार ना मेरो पैगाम दे आ, मेरी रूह ते जान हैरान तरफों, ऐ मेरी रूह ते जान हैरान तरफों, ऐ बन गया ते सलाम कलाम दे आ, बेबसार बैठा हम परदेसिया ना मरा दिल मनकश है याद थारी, बेबसार बैठा हम परदेसिया ना मरा दिल मनकश है याद थारी, पवा पवे उजड़िया हम बेवतन होया, पवे उजड़िया तम बेवतन होया, ए बस्ती देश मारे आबाद थारी। बहुत अच्छे। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, पहले स्पोर्ट्स कौन कौन में आप खेलते हैं? खेलते हो कुछ? जी। क्या? पहले वॉलीबॉल। क्या नाम? आसिफ यासीन। वॉलीबॉल अच्छा प्लेयर कौन लगता है जी? अच्छा प्लेयर कौन सा फेवरेट प्लेयर कौन है? पुंछ की धरती से एक इंटरनेशनल प्लेयर है वॉलीबॉल का, सकलेन तारिक। आप? जी कश्मीरी। गमजदन आव गम खार आशिको वत हलमदार, गमजदन आव गम खार आशिको वत हलमदार, अज अव नबी सोन ताजदार आशिको वत हलमदार, अज अव नबी सोन ताजदार आशिको वत हलमदार, अज अव आमिना सुंद मोल टोटलो आशिको वत हलमदार, गमजदन आव गम खार आशिको वत हलमदार। सुभान अल्लाह, देख सकते होंगे इन बच्चों को। बच्चों क्रिकेट कौन कौन खेलता है? सभी। क्रिकेट बहुत पॉपुलर खेल। फेवरेट प्लेयर? एम एस धोनी। हजरत फेवरेट प्लेयर? बाबर आजम। फेवरेट प्लेयर? इमरान मलिक। इमरान मलिक जम्मू कश्मीर की एक शख्सियत जो इस बार फिर उसने एक कदम उठाया, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर से उसने फिर एक बार दोबारा स्टेट का नाम रोशन किया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के लिए जाने वाली टीम में एक बार फिर वो टीम में शामिल किए गए हैं। और बच्चों आप मुझे आज ईद पे रहो बता रहा हूँ, ईद के हवाले से बताओ मुझे, आज का दिन कैसा बीत रहा है? अच्छा। कुछ और मेरे साथ कोई बात कौन कौन करेगा भाई? आप करोगे? हाँ जी।
क्या नाम, पहले नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से हो? मोहम्मद इमरान है, मैं ज़िला पुंछ तहसील मंडी गांव बाइला का रहने वाला हूँ। मैं इस इदारे में 2019 में आया था, तब मैं 7th क्लास में था जब मैं इस इदारे में आया था। तो मैंने 3-4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ भी किया और मैं इस इदारे की तरफ से स्कूल में इस साल मैंने 11th के एग्ज़ाम दिए हैं। अब मैं जो है नेक्स्ट जो जाऊँगा 12th क्लास में जाऊँगा। अब हमें इस इदारे में बहुत ही अच्छा खाना पीना फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी जाती हैं और हमारे यहाँ पे उस्तादिज़ा बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मेहनत भी करवाते हैं। हमें इस इदारे ने बहुत ही अच्छा खाना पीना रहन सहन सब सिस्टम देते हैं और घर से बहुत अच्छा हमें इस इदारे में मिल रहा खाने पीने का। और आज हमने सोचा कि घर से अच्छी फैसिलिटी जब हमें इस इदारे में मिल रही थी तो हमने सोचा कि आज इसी इदारे में हम ईद भी मना लें। और सब साथियों ने और हमारे उस्तादिज़ा ने और हाई साहब ने सब स्टूडेंट ने मिलकर इसी इदारे में आज हमने ईद भी मनाई और हमें खुशी हुई कि हमें घर से अच्छा इस मौका मिला कि आज हम इस अपने इदारे में जो है ईद उल अज़हा बनाएं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात होती है कि ईद अपने दोस्तों के साथ मनाई जाए। एक बिल्कुल अलग जैसा माहौल होता है क्योंकि घर के अंदर हर बार ईद मनाई जाती है अपने साथियों के साथ। कभी कभी इस तरह के मौके मिलते हैं क्योंकि वक्त के साथ आगे आप बढ़ रहे हैं। क्या सब्जेक्ट हैं आपके? मैंने जो स्कूल में आर्ट्स के सब्जेक्ट रखे हैं। क्या सोचा आगे करने के लिए? आगे तो अभी मैंने हिप्स की जो है मेरी दौड़ चल रही है, अब मैं नेक्स्ट जो है 12th क्लास में जाऊंगा। उसके बाद जो है मैंने आगे कॉलेज को में भी जाना है इंशाल्लाह और मैंने आगे जो है मौलवीत भी पढ़नी है। ये चीज़ें वो चीज़ें जो आपके सामने लाना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की बातें ज़रूर कही जाती हैं कि मदरसों के अंदर सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, मगर मैं ये मदरसा आपको दिखा रहा हूँ जहाँ दीनी और दुनियादी दोनों तालीमें इन बच्चों को दी जाती हैं। चाहे इनके किसी भी अखराजात हों, वो ये सिर्फ ट्रस्ट की तरफ से अदा किए जाते हैं। हर चीज़, ये नन्हे नन्हे से बच्चे हैं। आप देख सकते होंगे कि ये स्टूडेंट है, हिफ्ज भी कर रहा है और उसके साथ साथ ये स्कूल की तालीम भी अपने साथ चला रहा है। और कोई बच्चा मेरे साथ बात करेगा? कौन से बच्चे आप करोगे? क्या नाम है बच्चे का? मेरा नाम जाहिद हुसैन शाह। जाहिद हुसैन शाह साहब, आप शाह साहब हैं। शाह साहब कहाँ से हैं? सब्जी हैं। सब्जी हैं। शाह साहब, इस पर ईद यहाँ क्यों? ये इदारा बहुत ही अच्छा, ये इदारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमें खाना और पीना यहीं का मिलता है और सब बिस्तर सब कुछ यहीं का है, इसलिए हम साथियों ने मिलकर और उस्तादा हमारे ने यहीं पे ईद मनाई थी। आप बच्चे यहीं तालीम ले रहे हो, स्कूल भी जाते हो? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस उम्र के बच्चे घर से कभी बाहर नहीं रहते, मगर माँ बाप जैसा प्यार मिले बच्चे क्यों ना रहें। बिल्कुल वैसा प्यार इन बच्चों को इस ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है जिसके चलते ये बच्चे खुशी खुशी इस बार सभी एक साथ ईद मना रहे हैं। नाम जानना चाहेंगे हजरत आपका? मोहम्मद आबिद। कहाँ से हैं आप? खनेतर पहुँचे। कुछ सुनाना है या कुछ बताना? सुनाना। क्या? मलयालम। क्या? मलयालम। अंध मदीना पोंडो पीलन सौ बिबिरिशिम पूमन लो रंद मुल्ला पूमन लो यो नीर इंदिंदी शान तलत द मक्का तुर दबिये चार गला उम्यरती चार गला उम्यसरते चार गला उम्यरती चार गला उम्यसरते इनी बापू का लीर निरा हम निरा हिंदीरा वंदी चुरा जाते मान सकी हत हुकुम के डिची सने खाई राहते अजपाल हरते अधिहिम निहाजते अजपाल हरते अधिहिम निहाजते। बच्चे मुझे समझ तो कुछ नहीं है मगर मलयालम कहाँ से सीखी? स्कूल से। किस स्कूल से? इस्लामी। इस्लामी स्कूल से मलयालम ही सिखाते हैं आप इस मदरसा में? आप पुंछ क्यों रहने वाले हो? जी, आप देखें इन मदरसों को, मलयालम, कश्मीरी, गोजरी, पहाड़ी जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, मगर मलयालम में बात करने वाला भी हमारे साथ यहाँ एक बच्चा है। हालांकि मुझे भी समझ नहीं आएगी और उम्मीद है कि वो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, मगर फिर भी आज ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है, खुशियों का दिन है। बच्चे खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़? ऊंचा बोलो यार, ईद पे आज तो फ्री हो।
गोश्त चावल। आज क्या क्या बना है आपके यहाँ? बिरयानी गोश्त। जी क्या बात है, बिरयानी और गोश्त। आज बच्चे बिल्कुल फ्री रहेंगे। ईद के आज इस मौके पर आप देख सकते होंगे ट्रस्ट चेयरमैन बच्चों के साथ, बच्चों का मुंह मीठा करते आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने वालदैन वाला रोल अदा किया और वही रोल अदा कर रहे हैं। इस तरफ भी मैं आपको ले चलता हूँ, जहाँ गुलिस्तान की पूरी टीम भी आपको यहाँ आज नजर आएगी, क्योंकि खिताई पीर पंचाल की गुलिस्तान की टीम भी इन बच्चों के साथ इस बार ईद मनाने पहुँची। और ये देख सकते होंगे हमारे रिपोर्टर्स इरफान साहब हैं कैमरे के पीछे हैं, मैं कोशिश करूँगा इरफान साहब को भी सामने लाऊँ। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, हमेशा ये बात, हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ खुशियाँ बांटो। खुशियाँ बांटोगे तो और खुशियाँ बढ़ेंगी। खुशियाँ जिस तरह इन बच्चों की बांटी जाती हैं, इन बच्चों के साथ बांटी जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रस्ट की पूरी टीम आपको यहाँ नज़र आएगी। ये वो टीम है जो इन बच्चों की खातिर ये भी घर अपने नहीं गए, ईद इनके साथ इस बार इन्होंने भी मनाने का सोचा, क्योंकि ट्रस्ट के चेयरमैन आपको यहाँ नजर आएंगे, ट्रस्ट का दिगर अमला आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जो इन बच्चों के साथ आपको आज नज़र आएगा। क्योंकि इस बार अगर बच्चों ने ये फैसला किया कि वो इस बार ईद अब एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, तो ट्रस्ट के लोग भी इनके साथ इस वक्त शाना बिशाना आपको नज़र आएंगे, जो इन बच्चों का मुंह मीठा करते आपको नज़र आएंगे, क्योंकि खुशियाँ बांटी जा रही हैं। आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है, और इस दिन पर आज ईद के इस दिन पर मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चों को किस तरह खुशियां दी जा रही हैं, क्योंकि इन बच्चों ने इस बार ये फैसला किया कि वो ईद इस बार एक साथ मनाएंगे। इरफान साहब भी आ गए हैं इन बच्चों के साथ, गुलिस्तान की पूरी टीम। इससे पहले आपने देखा होगा थाना मंडी से निसार खान साहब थे, सुरनकोट से आकाश मलिक साहब, और अब इरफान मुगल साहब मंडी से। थोड़ी देर के बाद एक और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेंढर से शाह साहब, वो भी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे मेंढर वाले रिपोर्टर। टीम भी हमारी इन बच्चों के साथ इस बार ईद मनाने पहुंची है, क्योंकि इस बार गुलिस्तान की पीर पंचाल की टीम ने भी ये फैसला किया था कि इन बच्चों के साथ ही ईद मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार खिताए पीर पंचाल के अंदर हमने ये दूसरा प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं आज दिन का, कि जहां बच्चे इस बार घर में नहीं अपने साथियों के साथ ईद मनाने पहुंचे। उसकी बड़ी वजहें बहुत सारी सामने आई हैं, जिस तरह कल हमने सुरनकोट के अंदर हमने आपको दिखाया, आज के कुछ बच्चों ने ये कहा कि इन बच्चों के वालदैन नहीं हैं या अपने घर नहीं जा सकते, इसलिए इनकी खुशी की खातिर वो सब बच्चे यहीं रुके। और ऐसा ही माहौल आपको यहाँ भी आज नज़र आएगा, इन बच्चों की खुशियों में शामिल दूसरे बच्चे भी हुए, और उससे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के लोग भी उनकी खुशी में बराबर शरीक हुए, जो आज ईद पर भी इस अदारे के अंदर आपको नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कभी कम नहीं होती, और आप लोग भी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, ताकि खुशियों से चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। आप बच्चे दोबारा लौटते हैं आपकी तरफ, कौन से बच्चे बात करेंगे मेरे साथ? क्या नाम है बच्चे आपका? कहाँ से आसिफा? साहब जी से। आसिफ साहब, कितना टाइम हुआ मदरसे में? काफी देर। सुबह नमाज, ईद की नमाज पढ़ ली जी। अब इसके बाद क्या करना है, खेलना या मदरसे में? खेलेंगे, ईद करेंगे। ईद पे खेलेंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब कहाँ से? मैं तहसील मंडी गांव बायला से। बायला से हैं। ईद की नमाज पढ़ ली जी। जी अब इसके बाद क्या प्रोग्राम है, क्योंकि आज छुट्टी आप? जी जी छुट्टी। क्या प्रोग्राम है? अब ईद ईद मनानी है, खुशियां बांटनी आप एक दूसरे के साथ, बस ईद। अब सभी बच्चे आज एक ही जगह पे हो, क्या सबने कोई प्रोग्राम बनाया कहीं जाने का या यहीं बैठ खेलना आज? जी जाना है बाहर घूमने शूमने, आगे पीछे मिठाइयाँ लानी, एक दूसरे को खिलानी वगैरह वगैरह। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे खुशियाँ बांटी जा रही हैं। और बच्चों से बात करूँगा, और कौन सा बच्चा मेरे साथ बात करेगा? हजरत आपसे आप बात करता हूँ मैं दोबारा। नमाज हो गई जी, अब क्या प्रोग्राम आ गया? बस कुर्बानी करनी है और लोगों के घर जाना है, खुशियाँ मनानी है, एक दूसरे को ईद की मुबारक देनी है। आपको कितना टाइम हुआ इसमें? यहाँ 2 साल हो गए। इन 2 सालों का अपना एक्सपीरियंस बताएं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? एक घर की बात बताएं, एक घर है इंसान, दूसरा घर ये है, ये वो घर है जो आपकी ज़िंदगी संवारता है, इस घर के अंदर और उस घर के अंदर का फ़र्क बताएं। बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन जब हम घर पे थे तो हमें कोई पता नहीं था कि इस्लाम क्या है या फिर ये दुनिया क्या है। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें हमारे उस्तादाए किराम ने यहाँ पर बताया कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को बड़े बड़े ओहदों तक ले जाती हैं और बहुत दूर तक पहुंचाती हैं,
जैसे कि हमारे असातिज़ा किराम यहाँ पर हमारे साथ हैं और ये हमारी हर मजबूरी में या फिर परेशानी में काम आते हैं। जैसा कि ये मदरसा है और मदरसे के जितने के स्टाफ वाले हैं या फिर कमेटी वाले हैं, ये सब हमारा साथ देते हैं पूरे तरीके से। और ये मदरसा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें घर से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर देता है। और आज तो माशाल्लाह सब बच्चे हम मिलकर यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। और यहाँ पर जब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं है या फिर किसी का वालिद नहीं है या फिर किसी की वालिदा नहीं है, तो हमने यही सोचा कि आज उन बच्चों के साथ हम भी यहीं पर ईद मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि उन बच्चों के साथ ईद मनाई जाए जिनके वालिदैन नहीं हैं। ऐसे बच्चों की खुशियों में शामिल होने के लिए सभी बच्चे और ट्रस्ट के लोग भी आज आपको यहाँ नजर आएंगे। क्योंकि माँ बाप ज़रूर जन्म देते हैं, माँ के कदमों में जन्नत है, मगर उसके बाद ज़िंदगी सवारता है उस्ताद, और ये वही उस्ताद हैं। इन उस्तादों को भी हमारा सलाम, क्योंकि ये वो उस्ताद हैं जो इन बच्चों की ज़िंदगी सवार रहे हैं। क्योंकि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद तालीम हासिल करने के लिए अखराजात ना ला सकें कहीं से, मगर इन उस्तादों और इस ट्रस्ट की तरफ से इन बच्चों की ज़िंदगी संवारने का एक कदम उठाया गया, तब उठाया गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर सैलाब के कारण बहुत तबाही हुई। और बिलखसूस पुंछ की अगर बात करें, पुंछ के अंदर बहुत ज़्यादा माली नुकसान हम कह सकते हैं, जानी नुकसान भी ज़रूर हुआ, मगर इतना राजौरी के अंदर जानी नुकसान हुआ था क्योंकि राजौरी ने 100 से ज़्यादा लोग खोए थे 2014 में। पुंछ के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मगर कई ऐसे लोग भी थे जो बहुत उस वक्त गरीब लोग थे, उन ऐसे में उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद इस ट्रस्ट ने एक बड़ा कदम उठाया ऐसे बच्चों की खातर, और इनमें से कई बच्चे आज वैसे हैं जो जिनके 2014 के सैलाब में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, और उसके बाद इस ट्रस्ट ने यह कदम उठाया कि इन बच्चों की खुशियाँ और इनकी तालीम, दीनी और दुनियादी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा कदम था। क्या नाम है हज़रत आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक साहब, नमाज पढ़ ली? जी जी। अब क्या प्रोग्राम आगे? बस अब जाना है बाजार सितार घूमने घूमने शोमने। और कौन सा बच्चा? कुछ छोटे, आप छोटे छोटे बच्चों की तरफ चलते हैं आज, क्योंकि इन बच्चों की ईद। क्या नाम बच्चे? कहाँ से हो? सैकलो से। नमाज पढ़ ली ईद की? आप क्या प्रोग्राम, खेलना या घूमना? घूमना घूमना है। आप बच्चे? मुबशर शौकत। मुबशर शौकत, खेलना घूमना? खेलना। आप जी? खेलना। खेलना आप जी? खेलोगे? आप खेलोगे? आप जी? घूमेंगे। घूमेंगे, गुड, घूमेंगे ईद की खुशी। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको एक और ट्रस्ट के बारे में बताया, और ये ट्रस्ट के वो नन्हे नन्हे बच्चे जो आज ईद मनाने के बाद बिल्कुल फ्री नज़र आते हैं। अमूमन इनकी ज़िंदगी बहुत मुसरफियात रहती है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि दीनी की दुनियादी तालीम के साथ साथ यहाँ वो लोग बच्चे रहते हैं, उसके बाद ही तालीम के लिए पूरा दिन ये लोग लगे रहते हैं। चाहे दीन की बात करें या दुनियादी बात करें, दोनों तालीमें इन बच्चों को यहाँ मिल रही हैं। उसके बाद आज ईद, और ईद की नमाज के बाद इन बच्चों के चेहरों पर खुशी, और एक जैसे ड्रेस में सभी आपको ये बच्चे नजर आएंगे, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से इन बच्चों को आज ईद पर तोहफे दिए गए, इनकी मिठाइयाँ इनमें तकसीम की गई, और इनके चॉइस पे आज यहाँ खाने बनाए गए हैं। बच्चों ने कहा जो इनकी चॉइस थी, बच्चों की चॉइस को देखते हुए इस ट्रस्ट की तरफ से आज इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। जिस बच्चे की जो चॉइस थी, आज उसको बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया गया, क्योंकि आज ये बच्चों ने फैसला किया था कि इस बार की ईद वो एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही माहौल आपको नजर आएगा। क्योंकि इनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जो घर तक नहीं जा सकते, ऐसे बच्चों के साथ दीगर बच्चों ने ये फैसला किया, और साथ में ट्रस्ट ने उन बच्चों का पूरा साथ दिया। और इस बार आप देख सकते हो कि ईद की खुशियों में बच्चे इस बार एक ही कलर में आपको नजर आएंगे। नमाज पढ़ने के बाद अब ये बच्चे लौटे हैं, और इसके बाद इन बच्चों का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल आज ट्रस्ट की तरफ से ये भी कहा गया इनको कि ईद तक इनको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ जो ये चाहते हैं, जो इन बच्चों की ख्वाहिशात हैं वो पूरी करें, अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, क्योंकि एक बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी इन बच्चों की। इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस ट्रस्ट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, और इस ट्रस्ट की तरफ से ही इन बच्चों को आज एक और खुशी, इस ईद की खुशी पे ये कहा गया कि आज इन बच्चों की चॉइस पे इनके खाने पीने का इंतज़ाम इस ट्रस्ट ने किया है, अपनी तरफ से नहीं बल्कि बच्चों से पूछकर जो इन बच्चों की चॉइस थी वैसा ही इनका आज खाने पीने का इंतज़ाम। और उसके बाद इन बच्चों को ये भी कहा गया कि ईद के बाद वो बिल्कुल आज के दिन घर के जैसा माहौल, जो खेलना चाहते हैं बच्चे खेलने जाएँ, जो घूमना चाहते हैं घूमने जाएँ, और कई बच्चों ने अब इन बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया घूमने का फिरने का। और बच्चों एक तरफ एक बार फिर पूरी गुलिस्तान पीर पंजाल टीम के साथ दिल्ली जम्मू श्रीनगर की टीम से की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह।
गरीब नवाज हॉस्टल अल मदीना ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज अब्दुल अजीज साहब हमारे साथ। आपसे मैं जानना चाहूँगा सिर्फ इस ट्रस्ट का क़याम किस तरह आपने अमल में लाया? मतलब जो है ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है कि जब पहले हम जो नावे अपने में ठेकेदारी करता हूँ उसमें हमारे पास आते थे जैसे बच्चे आते थे ना, जैसे फलंग एरिया के, जैसे पखलियाज साइड के, मंडी साइड के, जहाँ बर्फ इलाके में जो नाले वहाँ में छुट्टियाँ पड़ जाती थी 2 महीने की, तो उसमें हमारे पास बच्चे आते थे इस किस्म के जनाली जो कहते थे हमें 2 महीने के लिए काम दो, हमें किताबों के लिए पैसे चाहिए। उनसे हम पूछते थे, क्वेश्चन करते थे कि आप जो मतलब 2 महीने के आपको क्यों लगाएंगे, है जी हमें किताबों के लिए गरीब हैं ये 3 महीने, मतलब ऐसे किस्म का, मतलब बहुत बड़े हेल्पलेस लोग थे बेचारे, वो बच्चे आते थे। तो हमने ये फैसला किया कि जब फ्लड आया 2014 में, तो हमने ये वैसे हमने कुछ चंदा चंदा करके अपने दोस्त यारों में जना ली, तो हमने कश्मीर में सामान भेजा, हमने टाटा मोबाइल में भर के जना ली, वहाँ हमने भेजा। उसके बाद हमें थोड़ा सा ये जगह हमारे पास ऑलरेडी थी, यहाँ मकतब चल रहा था, छोटी सी जगह थी, तो हमने ये किया कि उसमें कि हमारा ध्यान आ गया कि हमने चलो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, और हमारे दोस्त यार हैं जनारे जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबको अल्लाह ताला ने नवाजा है, कुछ मुलाजम हैं, कुछ बिजनेस मैन हैं, कुछ किस्म के, हर किस्म के वो ज़कात सदक़ात देते थे। तो हमने ये सोचा कि अब ये ज़कात सदक़ात के लिए अगर हम किसी गरीब बच्चे यतीम बच्चों को जनाली जैसे गांव देहात से पकड़ कर लाएँ जनाली, उनको हम जनाली अगर तालीम से रास्ता करें जनाली, तो वो हमारा ये बेहतर होगा। हमने सोचा कि एक यतीम खाना एक मतलब इस किस्म का बनाया जाए। तो उसमें हमें मज़ीद जब हमने इसको खोला जनाली, सईद आरफ साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने इसकी संगे बुनियाद भी रखी, इसकी ओपनिंग भी उन्होंने करवाई, तो उसी से अदारे से जनाली बाद में इसमें यहाँ हमने मदरसे का क़याम भी लाया। उस स्कूल वाले बच्चे जो हैं हमने गांव देहात से यतीम गरीब बच्चे लाए पकड़ कर, और वो बच्चे जो है हमने स्कूलों में जनाली तालीम देने के लिए उनकी हर एडमिशन जो कराते हैं, जो जैसे उनको भेजते हैं जनाली, उनकी एडमिशन की फ़ीस जितना उनका खर्चा होता है, रहना सहना, हमारे यहाँ एडमिशन के लिए किसी बच्चे से कुछ 1 रुपया नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यहाँ से यूनिफॉर्म, कपड़े, खाना पीना, रहना सहना, पढ़ाई का पूरा सिस्टम यहाँ से चलता है। ट्रस्ट में आपने क्या सोचा जब ये ट्रस्ट कायम किया, उसके बाद ये हॉस्टल आपने कायम किया, क्या सोचा था पहले, सिर्फ दीनी या तालीम देनी है लोगों को या दुनियादी दोनों तालीमें देंगे बच्चों? असल में हमने ये पहले सोचा था कि हम यहाँ कोई गरीब शरीफ बच्चे जो ऐसे स्कूल पढ़ने वाले हों, यतीम बच्चे, गरीब बच्चे हों, उनको हम खाली रिहाइश देंगे और स्कूल में जनाले एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूल में, और दीनियात का थोड़ा बहुत हमने रखा था कि चलो जी दीनियात भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लेकिन जब हमने इसका देखा जनाली, उसके हिसाब से काफ़ी हेल्पलेस लोग आने लगे बच्चे जनाली के, उसमें हमने सोचा कि अब दीनी भी तालीम भी ज़रूरी है, उस हिसाब से हमने यहाँ हाफिज़ भी जनाली हिफ्ज करने वाले, इकरात कराने वाले जनाली अलमा भी हैं, टीचर भी हैं जनाली, जो बच्चों को जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं रात को जनाली, उनको ट्यूशन यहाँ उनकी यहाँ प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ उनका रहना सहना, कपड़े शपड़े सब उनका मतलब हर लिहाज से यहीं से दिया जाता है। और उसमें हमने ये सोचा कि अगर हम खाली दीनियात के लिए रखें या स्कूल के लिए रखें, फिर स्कूल और दीनियात के लिए जनाली इसलिए ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में कंप्यूटर ज़माना है जनाली, इसमें हर तरह की जनाली जो बच्चा मदरसे का हो चाहे किसी किस्म का हो जनाली कहीं भी हो जनाली, उसको दीनी और दुनिया तालीम दोनों होनी चाहिए, ताकि हमारा जो बच्चा है जनाली, जैसे हमारे बच्चे 12th में भी इसको पहुँचे हैं, वो कंप्यूटर भी करे और पढ़े भी जनाली, आगे कुछ MBBS डॉक्टर को TS करना, उसकी किस्म के जनाली हमारा ये मुद्दा है कि जनाली ये बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हम लाते हैं पकड़ के, कि इनको छोटे बच्चों को जनाली तालीम देने से लिए अभी हम इनको तैयार कर रहे हैं बच्चों आगे KSO या NEET के एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपने बात की कि बच्चे वो भी कोशिश कर रहे हैं 12th तक आप बच्चों को यहाँ रखते हैं, अगर ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं जिनको आगे कोचिंग करनी है, इनकी मदद भी यहाँ से की जाती है? इनकी मदद भी हम इंशाल्लाह आगे के लिए जो बच्चा ये हमारे यहाँ से 12th करके जनाले जो काबिल होगा उसके हिसाब से उसकी जनाले जहाँ भी अगर आगे इंजीनियरिंग में कहीं MBBS में किसी उसके लिए पूरा हमें ट्यूशन मतलब करा के भी जनाले उनको जनाले आगे ले जाना पड़ेगा ले जाएंगे। जैसे कोविड आया
कोविड में सारे स्कूल मदरसे सब बंद थे, उसके बावजूद भी हमने कोविड में जनाले कम से कम 10-12 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया बेवा, और जो जैसे यतीम लोग हैं, जैसे बिहार के लोग थे, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, हमें मतलब कोविड में हमें ये चीज़ें देखी है कि हमने 10-12 लाख रुपये जो रिलीफ दी है बाज़ाब्ता हमारे पास उनके अकाउंट आए, उनके अकाउंटों में डाले हैं बाज़ाब्ता इनवाइस बना के। एक तो है ना खाली ज़बानी खाते में कहना, एक हो गया जनाली के प्रैक्टिकली करके दिखाना जिसके पास रिकॉर्ड हो, जैसे कि हमारे पास जिन लोगों के अकाउंट में पैसा गया है उनकी इनवाइस बनी है, उनके अकाउंट नंबर है उनके अकाउंटों में गया है, उनको हमने कही किसी को हमने ये नहीं देखा जनाली कि ये किस किस्म का कौन बंदा है। हमने सर्वे करवाया, सर्वे करा के हर गांव से देहात से जनाले जैसे बेवा है इसमें कुछ सिटी में हमारे पे कौन सी में जनाले को गैर मुस्लिम लोग भी हैं जनाले जिनके बेवा ऐसी किस्म की हैं उनमें को भी हमने रिलीफ दी है बाज़ाब्ता इसी इदारे से, और कुछ दो तीन मतलब जो कुछ लोग कैंसर पेशेंट को यहाँ से मदद मिलती है, कैंसर पेशेंट को हमने बढ़ चढ़ के काफ़ी तरीके से मदद की है और काफ़ी लोगों को की है, और उसके बाद जैसे मकान बनाने हैं पार्शली जनाली एक दो तीन मकानों की जनाली हमने हेल्प की है लोगों की, और जैसे कि मसाजिद हैं जैसे गांव देहात में कहीं कहीं भी जहां भी हैं जनाली कुछ ऐसी जगह हैं जनाली जहां लोग जनाली मोहल्ले में गरीब हैं जनाली मसाजिद उनके पास नहीं थी उनको मसाजिद भी हमने प्रोवाइड करके दी और बना के दी पार्शली कुछ इमदाद की कुछ जनाली पूरी कम्प्लीट करके दी, और उसके बाद ये है कि जैसे लोग जनाली कुछ बच्चे ऐसे हैं जनाली जो यतीम अभी हमारे पास यहाँ पढ़ते हैं उनके घर के मकान बना तक हमने बना के दिए हैं इस ट्रस्ट ने कि उन मकानों का जनाली फुली जनाली पूरा जितने भी उनके कास्ट बनती है वो मकान भी हमने खुद बना के दिए हैं। बिल्कुल बहुत खिदमत खलक का सिलसिला आपकी तरफ से लगातार जारी, क्या आगे क्या मिशन है? जिस तरह ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आज दीनी तालीम बुनियादी तालीम की बात हम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा मिशन आगे है कि कोई ऐसा स्कूल इस इलाके में कायम किया जाए जहाँ सिर्फ उन बच्चों को दाखिल किया जाए जो ज़रूरतमंद हों, चाहे उसमें बच्चियाँ हों बच्चे हों, कोई इस तरह का मिशन भी आगे के लिए है? आगे के लिए एक तो हमारा ये है जनाली की जो हमारे पुरानी पुंछ में एक हमारी मस्जिद थी जामा मस्जिद जो 47 से पहले ही थी बहुत पुरानी बोशीदा हो चुकी थी, वहाँ की कब्रिस्तान की जनाली चार दीवारी के लिए वहाँ हालात थोड़े ख़राब थे, उसमें गंदगी पड़ती थी, उसमें माल मवेशी जाते थे, और वहाँ जो एक ज्यारत थी जनाली बहुत बड़ी कामल वली की ज्यारत है जनाली गौस पाक के चौधरी पुंछ में से हैं वो, तो उसके बाद वहाँ भी हमने एक दर्श का जनाली यहाँ क़याम लाया है, वहाँ भी हमने मदरसे और जनाली वहाँ हमने शुरू किया हुआ है, और उसके बाद हमने फ्यूचर में यहाँ एक जगह ली है हमने 80-85 लाख की जनाली जो जगह ली है हमने और नई जो जनाली वहाँ भी एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे जहाँ हमारे बच्चे जनाले जो स्कूल वाले और इदारे वाले जहाँ बच्चा खाए पिए वहाँ सोए ना, जहाँ सोए जनाली वहाँ पढ़े ना, मतलब हमारा ये है कि जो पढ़ने वाली क्लास ही अलग हो, जहाँ आम ज़्यादा देखा जाता है जहाँ बच्चा जनाली वहीं पढ़ेगा वहीं रहेगा वहीं सोएगा वो उस हिसाब से बच्चे का दिमाग जो है वो बिल्कुल, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो आगे जो हमने जो जगह और नई ली है जनाली उसमें हम पूरी एक अच्छी बिल्डिंग बनाएं और अच्छी तरह उसमें जनाली जो क्लास रूम हों वो अलग हों और या रहने के लिए जनाली हमारा उनके लिए राज के लिए बिल्कुल ही अलग हो। खिदमत खलक लगातार जारी है। एक आखिरी सवाल भी आपने, अल्लाह ने आपको बहुत चीज़ों से नवाजा हुआ, इस ट्रस्ट के साथ कितने लोग अब तक जुड़े, फंडिंग का सिलसिला कैसे रहता है? उसमें ये हजरत के 12-14 लोग जो है हमारे पास खाली जो परमानेंट जनाली इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुई है जनाली कोर्ट में ये वो तो जुड़े हुए हैं बाज़ाब्ता, अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी राय नहीं है, हम इसमें जनाले सरद फरिस्त अम्तियाज हमारे एक्सियन अम्तियाज मीर साहब हैं अच्छा वो साथ में जनाली और लोग भी जनाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ ठेकेदार हजरात जुड़े हुए हैं जनाली ऐसे किस्म के जनाली, तो उसमें ये जनाली के और भी लोग हमें देते हैं, जैसे वो लोग किसी ने लोगों ने सिमें लगाई हमारे अकाउंट में, किसी की 500 रुपये की सिम आती है, किसी की 1000 रुपये की आती है, किसी की 2000 की आती है, किसी की 5000 की भी आती है कुछ ऐसे बंदों में जो मंथली हमारे पास जनाली अकाउंट में पैसे आते हैं, और फिर भी हमारे पास कर्जा चढ़ गया, हमारे 35-40 लाख रुपया कर्जा चढ़ा हुआ जनाली जो जगह हमने ज़्यादा नहीं खरीदी है उसका जनाली इंशाल्लाह वो भी लोगों की तावन से ही होगा आगे, और लोगों की तावन से ही उम्मीद रखते हैं हम कि आगे के लिए हमारे लोग हमारा तावन करेंगे जनाली इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर जनाली हम इस इदारे को जनाली और फ़रोख देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। खिदमत खलक का जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता, इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है, अल्लाह ने हर चीज़ से इनको नवाजा है, मगर इन्होंने एक अहद किया कि ऐसे बच्चों की भी खिदमत की जाए जिन बच्चों के सर पर माँ बाप का साया नहीं है, या जो वो बच्चे जो दीनी हो या दुनियादी तालीम के लिए अखराजात नहीं
हो सकते हैं उनके पास, ऐसे बच्चों की खिदमत के लिए भी इन्होंने ये बड़ा कदम एक ज़रूर उठाया। इनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।